विदेश गया था जी लड़का, 7 महीने से कोई बात नहीं हो रही है। मैंने अपना लड़का भेजा था जर्मन की, मेरे साथ बात हुई जेंट के साथ, ठीक है जी, लेकिन मेरा लड़का जेंट ने जर्मन नहीं पहुंचाया, उसने रशिया पहुंचा दिया जी। 7 महीने से मेरे बच्चे के साथ मेरी कोई बात नहीं है। लेकिन इनसे मेरे को उम्मीद है जी भाई वहाँ यहाँ से मेरी हेल्प होगी। वर्ष 2022 में अपने ही गांव के जिस एजेंट के माध्यम से अपने जवान बेटे को जर्मनी के लिए घर से रवाना किया था, वही बेटा अब तक जर्मनी न पहुंचकर रशिया में फंसा हुआ है। अब पिछले 7 महीने से ना तो बेटे की आवाज सुनने को मिली, ना ही शक्ल देखने को मिली। ये कहना है कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी के रहने वाले इस दंपत्ति का, जो आज इस मामले में जजपा नेता योगेश शर्मा के पास मदद की आस लिए पहुंचे। योगेश शर्मा ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और उनके द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत और FIR को पढ़कर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई करने की मांग भी की। पिछले 7 महीने से अपने बेटे की आवाज सुनने और उसकी शक्ल देखने के लिए आंखों में आंसू लिए दंपत्ति ने अपना दर्द यूं बयां किया। मैंने अपना लड़का भेजा था जर्मन की, मेरे साथ बात हुई जेंट के साथ, ठीक है जी, लेकिन मेरा लड़का जेंट ने जर्मन नहीं पहुंचाया, उसने रशिया पहुंचा दिया जी। ये 2022 की बात है, 7 महीने की, ठीक है। वो लड़का वहीं दबके खानदार है जी, साल से भी ऊपर जी, ठीक है। उसने आज तक मेरा लड़का जर्मन नहीं पहुंचाया, ठीक है जी। और मैंने पुलिस में भी गया हूँ जी, ठीक है, मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं इन भाई साहब से आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपनी समस्या मैंने को बताई है। 7 महीने से मेरी कोई महीने से 7 महीने से मेरी बात नहीं हो रही। ये 9वें महीने में रशिया में, हाँ जी ठीक था जी, 7 महीने से जी, हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ये जी मैं, हाँ जी, पुलिस चौकी में गया, हाँ जी, दे रखी है मुकदमा दर्ज नहीं नहीं जी, कोई कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ जी आते हैं लोग, तो आते हैं, हाँ जी, समझौता कराने के लिए बोलते हैं भाई पैसे ले लो, कोई बात नहीं, अपने बच्चे के साथ भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो। जब मेरा बच्चे नहीं तो कॉम्प्रोमाइज किस चीज की करूँगी मैं? नहीं जी, मेरे को कोई खबर नहीं है जी। एजेंट की भी 1.5 महीना हो गया जी, ये भी फरार हो रहा है जी। ये कर रहे हैं जी, मेरे मदद करेंगे जी, और मेरे को संतुष्टि है भी मुझे आज मदद मिलेगी, मुझे इंसान मिलेगा यार। मैं बहुत परेशान हूँ जी, 7 महीने हो गए, बहुत दुखी हो रहा है जी। अभिषेक जी 10वीं का रखी थी उसने, हाँ, उस टाइम उसकी 20 से ऊपर, इस टाइम 21-22 साल उम्र होगी। जी तो अच्छी तरह जानकारी करके जो एजेंटों के बारे में पता करके, कोई तसल्ली नहीं करी एजेंट के, लड़के को भेज रहे पैसे दे रहे हैं, अपना काम जारी करता नहीं करता। ऐसा है जी, हमारे गांव का है जी, ठीक है जी, मैंने इसे विश्वास कर लिया, इसने मेरे को विश्वास दिलाया, इसके भाई भी हैं जी, उन्होंने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया कि ये भाई हम मिल के काम करते हैं। 2-3 भाई हैं जी, 2 भाई हैं इसके, 1 लड़का है जी। लोगों ने विश्वास दिलाया था, अब वो भी फरार हैं जी, जी सारे फरार हैं। हाँ जी, उम्मीद है, मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन इनसे मेरे को उम्मीद है जी भाई वहाँ यहाँ से मेरी हेल्प होगी जी। जी ये देखो जी मेरे बेटे की फोटो, उषा देवी जी। उषा जी क्या मामला है बेटे का? पति ने बताया विदेश गया था जी लड़का, 7 महीने से कोई बात नहीं हो रही है। हम योगेश जी के पास आए हैं अपनी फरियाद लेके, तो इन्होंने पुलिस वालों के साथ भी बात की है, हमको थोड़ा लग रहा है भी होगी, होगी हमारी कुछ हेल्प मिलेगी हमको
सात महीने से मेरे बच्चे के साथ मेरी कोई बात नहीं है। मुझे इनका पता था कि ऐसे ऐसे जो आपका नंबर किसी ने दिया है और हमारी एक समस्या है, तो मैं आउट ऑफ सिटी था तो मेरी इनसे बात हुई, मगर जब आप फोन पे बताएं अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपके फोन पे हेल्प करेंगे। तो मियां बीबी ने दोनों ने बात करी और बड़े दुख के साथ मैंने बात सुनी। देखे एक परिवार का एक बच्चा जब सात महीने से किसी बच्चे के माँ बाप से बात ना हो तो उनका दुख किस प्रकार का होता है ये हम सभी समझते हैं। इनकी समस्या थी इनके गांव का कोई एजेंट है, उस एजेंट ने जर्मनी भेजने के नाम पे इनके बेटे को रशिया में उतार दिया। ये बात 2022 की बता रहे हैं। 2022 के बाद चलो इन्होंने पंचायती तौर पे बातें करी, प्रशासनिक तौर पे बातें करी, परंतु किसी भी प्रकार की कोई भी इनकी सेटिस्फेक्शन एजेंट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। पिछले लगभग सात महीने से जैसा इन्होंने बताया कि इनके बच्चे से इनकी बात नहीं हो रही, अगर बात करने की कहते हैं तो जो भी एजेंट है वो किसी को भेजता है 30,000 रुपए की डिमांड, 50,000 रुपए की डिमांड, और इनसे लिए भी गए पैसे बात करवाने के नाम से। कोई मुंह बांध के आया और ये बात बता रहे हैं, इन्होंने बताई मुझे सारी बात कि 30,000 रुपए कहीं पिपली रोड पे कोई लेके गया और बात इनकी तब भी नहीं करवाई गई। इसके बाद ये जगह जगह बेचारे धक्के खाते रहे, किसी ने कोई इनकी सुनवाई नहीं करी, किसी प्रकार का मतलब इनके साथ ज्यादती ही हुई। तो मेरी बात हुई, मैंने आज इनको मिलने के लिए बुलाया कि आप अपनी बात बताएं। उसी प्रकार आज प्रशासन से भी बात करी तो प्रशासन ने भी CIS को इसकी जांच सौंपी है। मेरी प्रशासन से तो ये उम्मीद है ही कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस प्रकार के लोगों के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ है, इनको निजात मिले। और जिस प्रकार से देखिए इसके अंदर प्रशासन के साथ साथ, प्रशासन तो हमारी बात सुनेगा ही, हमारी खुद की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस प्रकार से अनधिकृत लोगों के पास जाकर जो सरकार से अनअप्रूव्ड लोग हैं और ये जो एजेंट का काम करते हैं, ऐसे लोगों से काम ना करवाएं। आए दिन आप देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट लोगों को, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अवगत करवाया जाता है। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें सारी चीज़ों को आम जन तक पहुँचाएं। चलो ये गरीब आदमी इन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाई, इनके साथ बन गई तो उसमें भी हम इनका सहयोग करेंगे। मेरी पुलिस से भी बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी इनका बच्चा और जो भी एजेंट है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, उसको अरेस्ट करके इनकी कार्रवाई करी जाए।